अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए सेबी की भूमिका पर ही सवाल उठाए। इस नोटिस को डराने धमकाने का प्रयास बताया है और कहा है कि सेबी धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की बचाव करने की कोशिश कर रही है। क्या है पूरा मामला, हिंडनबर्ग ने सेबी पर क्या आरोप लगाए और इस पूरे मामले में कोटक बैंक का नाम कैसे आ रहा है, चलिए जानते हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। दरअसल 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि हिंडनबर्ग के सभी आरोपों पर जांच करने के बाद सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद बीते गुरुवार को सेबी ने एक ईमेल के जरिए हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस दिया है। 46 पन्नों के कारण बताओ नोटिस के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने 1 तारीख को अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें सेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इस जवाब में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हिंडनबर्ग ने बताई वो इस प्रकार है। पहली बात, इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए हिंडनबर्ग के ब्लॉग में कहा गया कि यह रिपोर्ट 106 पेजेस की थी, जिसमें 720 से ज्यादा साइटेशंस थे और एविडेंस थे, जिसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड की बातें साबित होती हैं। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और कई अन्य क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली ऑफशोर एंटिटीज के बारे में भी एविडेंसेस जारी किए गए थे, जिनके जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेरफेर की गई थी। आगे इस ब्लॉग पोस्ट में कहा गया कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अगस्त 2023 में अडानी ग्रुप के बिग फोर ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया। ऑडिटर्स ने हिंडनबर्ग की जांच को क्वालिफाइड ओपिनियन मानकर रेजिग्नेशन दिया था और अभी तक अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए सवालों का कोई भी जवाब या कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस ब्लॉग पोस्ट में सेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाया, साथ ही यह भी कहा है कि पार्लियामेंट अडानी ग्रुप पर सवाल करने वाले एमपीज को भी पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि सेबी अडानी ग्रुप की सहायता कर रही है। इस ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद सेबी ने ब्रोकिंग हाउसेस को प्रेशराइज किया इन ऑर्डर टू क्लोज शॉर्ट पोजीशंस। इस पूरे मामले में कोटक बैंक का नाम कैसे आया, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक इन्वेस्टर पार्टनर के जरिए ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था, जिसे कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया था और इसको संभालने की भी जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा बैंक की ही थी। हिंडनबर्ग ने अपने ब्लॉग पोस्ट में यह भी लिखा कि वाइल सेबी सीमिंगली टाइड इटसेल्फ इन नॉट्स टू क्लेम ज्यूरिसडिक्शन ओवर अस, इट्स नोटिस फेल टू नेम द पार्टी दैट हैज एन एक्चुअल टाई टू इंडिया, दैट इज कोटक बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बैंक्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स फाउंडेड बाई उदय कोटक, विच ऑल्सो क्रिएटेड एंड ओवरसॉ द ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर यूज बाई अवर इन्वेस्टर पार्टनर टू बेट अगेंस्ट अडानी। इस ब्लॉग पोस्ट में यह भी कहा गया कि कोटक बैंक की जगह सेबी ने के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड नाम रखा और कोटक नाम को KMIL के संक्षिप्त नाम से छुपा लिया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी ने शायद कोटक ग्रुप को जांच से बचाने के लिए कोटक नाम का को छुपाया है। कोटक बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने भी सेबी की 2017 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता की थी। सेबी ने कोटक या कोटक बोर्ड के किसी और मेंबर का जिक्र उन्हें जांच से बचाने के लिए नहीं किया, जो सेबी की निवेशकों के हितों की रक्षा को लेकर उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाता है। फिलहाल इसके जवाब में कोटक बैंक ने बोला है कि हिंडनबर्ग उनका कभी भी क्लाइंट नहीं रहा है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को लगभग $153 बिलियन का नुकसान हुआ था, तो वहीं हिंडनबर्ग ने बताया कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके मात्र $4 मिलियन ही कमाए। अब देखना यह होगा कि सेबी अगला कदम क्या उठाती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह देखते रहें जागरण बिजनेस।